महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के बीच गठबंधन के बाद एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। पवार ने कहा कि इस गठबंधन को लेकर के अभी तक महाविकास अघाड़ी के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। कोल्हापुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा कि आंबेडकर की वीबीए को लेकर के एमबीए में कोई भी बातचीत नहीं हुई, हमें नहीं पता आंबेडकर उद्धव ठाकरे के बीच क्या चला है, हम इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी में एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना शामिल है। तीनों दलों के गठबंधन वाली सरकार सत्ता में थी, आगे भी हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि 3-4 महीने की बातचीत के बाद प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को उद्धव ठाकरे गुट के बीच गठबंधन हुआ था। गठबंधन का हिस्सा बनते ही प्रकाश आंबेडकर ने एनसीपी नेता शरद पवार पर टिप्पणी करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले प्रकाश आंबेडकर ने कहा था कि शरद पवार भाजपा के साथ हैं, उनके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि जब शरद पवार से प्रकाश आंबेडकर की तरफ से की गई टिप्पणियों के बारे में पूछा गया कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, शरद पवार ने कहा कि आंबेडकर के ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता। उन्होंने पत्रकारों के सामने टिप्पणी करने से मना कर दिया। लेकिन भले ही शरद पवार प्रकाश आंबेडकर को बोलने से परहेज कर रहे हों, लेकिन उन्हीं के पार्टी के यानी एनसीपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने प्रकाश आंबेडकर पर लगातार हमला बोला है और अभी भी लगातार हमलावर हैं। हालांकि जब तक प्रकाश आंबेडकर शरद पवार पर हमला बोल रहे थे तब तक तो गनीमत थी, लेकिन शनिवार को प्रकाश आंबेडकर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए जमकर कसीदे पढ़े और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो कानून के दायरे में रह करके कर रहे हैं, सत्ता बनाए रखने के लिए जो जरूरी होता है वो वही कर रहे हैं, उनकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, कानून के दायरे में रहते हुए अपनी कुर्सी को बचाने की जुगत लगाने में कुछ भी गलत नहीं है, इससे पहले ही सरकारों ने यही किया। प्रकाश आंबेडकर ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के ये बात इंटरव्यू में कही है। आपको याद दिला दें कि प्रकाश आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के पोते हैं और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख हैं। 4 दिनों पहले ही उन्होंने शिवसेना ठाकरे गुट के साथ गठबंधन किया है, वो महाविकास अघाड़ी में चौथी पार्टी के तौर पर जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की उदासीनता की वजह से उन्हें अकेले ठाकरे गुट के साथ गठबंधन करके संतोष करना पड़ा। एनसीपी और कांग्रेस से इस बात को लेकर के उनके मन में टीस भी है और खींच भी है। प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा कि पिछले 40 साल की राजनीति में मैंने ये देखा है कि जो भी सत्ता में आता है विपक्ष को एक होते हुए देखना नहीं चाहता, ऐसे में विपक्ष को फूट डालने की कोशिश राजनीतिक रणनीति का हिस्सा, विपक्ष को सत्ता पक्ष क्यों मजबूत होने दे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेतृत्व के खिलाफ शिंदे गुट की बगावत में बीजेपी का हाथ होने के सवाल पर आंबेडकर ने यह भी कहा था कि यहीं तक नहीं है, शुक्रवार को ही सोलापुर में कहा कि एक सभा में भी प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी पर और भी तीखा कटाक्ष किया। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले महाविकास अघाड़ी के नेताओं को उन्होंने याद दिलाया कि महाविकास अघाड़ी चुनाव से पहले का गठबंधन नहीं था, चुनाव हो जाने के बाद बीजेपी से शिवसेना को अलग किया गया था, तब जाकर के महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी वंचित बहुजन अघाड़ी का ठाकरे गुट से गठबंधन एक बेहतर और नैतिक रूप से मजबूत गठबंधन है, ये प्री इलेक्शन गठबंधन है, ये कामयाब होगा। हालांकि इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की ओर से प्रकाश आंबेडकर शरद पवार पर संभल कर टिप्पणी करने की हिदायत भी दी गई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस हिदायत को प्रकाश आंबेडकर कितना मानते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।